दतिया में 89 लाख की लागत से निर्मित 10 बिस्तरीय कोविड आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस दौरान गृहमंत्री के बेटे सुकर्ण मिश्रा और कलेक्टर संजय कुमार ने कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स और नर्सों का सम्मान किया। दतिया मेडिकल कॉलेज अपग्रेड होने के बाद अब जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जुट गए हैं। इसी के तहत उनके पुत्र और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर संजय कुमार, CMO राकेश बिहारी मौजूद रहे। यह कोविड मरीजों के लिए सर्व सुविधा युक्त वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कोविड आईसीयू वार्ड में जान जोखिम में डालकर काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्सों का शॉल श्रीफल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि दतिया स्वास्थ्य विभाग आज स्वास्थ्य सेवाओं में अव्वल है। पूरा जिला प्रशासन इस महामारी से निपटने के लिए पूरी जी जान लगा कर रखा है। भाजपा नेता सुकर्ण मिश्रा ने कहा कि शहर से लेकर गांव तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा में तत्पर है। इस महामारी में प्रत्येक आदमी का सहयोग जरूरी है, तभी इससे निजात पाई जा सकती है। आज जिला अस्पताल में 20 बेड का इंटेंसिव केयर यूनिट का आज उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा भी हमारे पास SDU और ICU मेडिकल कॉलेज में लगभग 40 हैं। हम दतिया का पूरा प्रशासन, माननीय मंत्री जी, सभी यही प्रयास कर रहे हैं कि इस महामारी के समय में जनता की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हम कर सकें, मरीज जल्दी से जल्दी उपचार पाकर स्वस्थ होकर अपने घर जा सकें और भारत इस वैश्विक महामारी से जल्द उभरे। सबसे बहादुर आपने अभी देखा जो हमारी स्टाफ नर्सेस हैं, जो वार्ड बॉय हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हम समझ सकते हैं कि वो इंटेंसिव केयर यूनिट में और ख़ासतौर से मरीजों के पास PPE किट पहन करके जाते हैं तो कितना कठिन होता होगा। तो ये बहादुर लोग हैं, इनके बूते चीज़ें चल रही, हम लोग तो बाहर से सपोर्ट करने वाले लोग हैं। रिसोर्सेज जैसा आप देखा कि दतिया मेडिकल कॉलेज के कारण यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना तो यहाँ बेड्स की कमी है, ना यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ना यहाँ रेमडेसिविर की कमी है, और ज़िले के लोगों को लगातार अन्य जिलों की अपेक्षा बेहतर सेवा मिल रही है। थोड़ी सी बीमारी का नियंत्रण भी हुआ है और होपफुली आने वाले समय में हम इसको काबू कर लेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।